अब तो जो होना था हो गया, अब ये सोचें कि आगे क्या होगा। ये तो जफर ही फैसला करेगा। कितना समझाया लेकिन उसके बावजूद तुमने मुझ पे एतबार नहीं किया। बस मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा। ऐसा नहीं, आप मेरी बात का एतबार क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या एतबार करूंगा, पिछले एक साल से तुम धोखा दे रही हो मुझे, मेरे निगाह में होते हुए मेरे भतीजे से इश्क लड़ा रही हो तो बस कर दे। इतना घटिया इल्जाम मत लगाएं मुझ पर। मेरा दिल मेरा दुश्मन। बड़े अबू कहाँ हैं? क्या हो गया, दम तो लो लड़की, अबू की रट क्यों लगाई हुई है? बड़ी अम्मी मुझे लग रहा है मायरा को कुछ हो गया है। वो दरवाजा नहीं खोल रही, अब जल्दी चले मेरे साथ। क्या? अरे तुम्हें इल्हाम आया क्या? उसका कमरा तो लॉक है। मैं झूठ नहीं बोल रही, वो बेचारी बहुत तकलीफ में काफी देर से दरवाजा बजा रही थी। आप लोग प्लीज चले ना जल्दी। चले, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। नहीं, सब कुछ पहले ही झेल चुकी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। प्लीज उठे। इस लड़की ने तो हमें परेशान कर दिया, हम ना जाने क्या करके बैठी होगी कमरा बंद करके। अरे तौबा। बड़े अबू कहाँ हैं? ये सफर पता नहीं कहाँ छुप के बैठा हुआ है, उसको ढूंढने के लिए गए। मायरा चाची दरवाजा खोले। मायरा चाची, चाबियां भी बस यही थी, सब ट्राई कर चुके, और कोई चाबी रखी है? नहीं। मायरा, हाय अल्लाह, इस लड़की ने कहीं खुदकुशी तो नहीं कर ली? अम्मी, अरे ऐसी कहानियों के यही अंजाम होते हैं। नहीं, कभी तो सोच कर बोला करें। मायरा चाची, दरवाजा खोलें, तुम्हारे पास कोई और चाबी है? ऐसा करते हम दरवाजा तोड़ देते हैं। हो गई तसल्ली, खुल गया दरवाजा। मैं खालिद को फोन करती हूँ। लो, अब ये भी फोन नहीं उठा रहे। क्या मुसीबत, खटखटाओ दरवाजा और निकालो इसे बाहर। मायरा, दरवाजा तो खोले। एक नई मुसीबत इस घर में। तुम यही सब कुछ मायरा और अम्मी के साथ भी करती थी। उस वक्त मैं अंधा था, मुझे दिखाई नहीं देता था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं, सब समझ में आ गया है मुझे, कितनी बड़ी साजिश की औरत हो तुम। आपकी दवा का वक्त हो गया और आपने दवाई नहीं पी अभी तक। हाँ, मैं भी पी नहीं जा रही थी, हिम्मत ही नहीं हो रही थी उठने के बैठने की। जावेद बता रहे थे कि बहुत महंगी दवाई है, बड़ी मुश्किलों से मिली है, आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत मुश्किल से लेकर आया, अगर आपकी दवाई आप पी नहीं सकेंगे। ओ बीबी, क्या कर रही हो? दो टब उन्हें छोड़ो, छोड़ो ना। किचन में इतने बर्तन पड़े हैं धोने के लिए, जाके धो वो। तुम इस काम में कहाँ हाथ डाल रही हो? दो उन्हें, जब ये कपड़े धो सकती हैं तो सुखा भी तो सकती हैं ना। इतनी जान है उनके हाथों में। मर तो नहीं गई अम्मी? ऐसी पड़े रह देती हूँ,
जावेद आएगा तो उससे कहूंगी कि मुझे क्या मालूम, मैं सहन में गई तो अम्मी गिरी पड़ी थी, अच्छा जान छुटेगी इनसे। ठीक कहती है राबिया, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, पागल हो गई हो तुम, तुम्हें किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाने की जरूरत है। नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, पागल नहीं हूँ मैं, पागल नहीं हूँ मैं बिल्कुल सही हूँ, पागल नहीं हूँ मैं, खबरदार मुझे पागल मत कहना। पागल नहीं हूँ मैं, खबरदार मुझे कोई पागल मत बोले, पागल नहीं हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। खुदा के लिए झगड़ा मत करना, जाओ जाकर आराम करो। शुक्र है आप लोग आए, पापा मायरा की बहुत बुरी हालत है, जाके देखिए उसको प्लीज। परेशान मत हो, वो बहुत भीड़ हड्डी है, कुछ नहीं होता उसे। ये क्या जुल्म सफर, उसको सुबह से कमरे में भूखा प्यासा बंद करके रखा हुआ तुमने, इस तरह से तो वो मर जाएगी। मुझे मत सिखाए क्या करना है क्या नहीं करना है, ये मियां बीवी का मामला है, मैं किसी की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करता। बाबा परेशान मत हो, मैंने समझा दिया है कुछ नहीं करेगा। हमारा भाई को लेने कारखाने तो चले गए, लेकिन बेटे की फिक्र है आपको, आया नहीं है वो घर पे अभी तक। अभी तक भी है तो बहुत देर हो गई, मैं देखता हूँ उसे। तुमने फोन किया था उसे? नहीं उठाया। प्यास लगी है अभी भी ना? क्यों कुछ कर रहे हैं? कितनी मोहब्बत की थी मैं, तुमने रहम किया मुझ पर? मैंने कुछ गलत नहीं किया। झूठ मत बोलो, नफरत है मेरे झूठ बोलने वालों से। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मेरी सच्चाई का अल्लाह गवाह है, सच को किसी दलील की जरूरत नहीं होती। झूठ नहीं बोल, अपने गुनाहों पे पर्दा रखने के लिए अल्लाह का सहारा मत लो। जैसी बेशरम लड़कियों का अल्लाह माफ नहीं करता। क्यों रखा मुझे तुमने आगे? तुम्हारे अंदर गिल्ट था, तभी तुमने शामिल और अपने ताल्लुक के बारे में नहीं बताया मुझे। क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? क्योंकि तुम्हारे अंदर खोट था, वफा एहसास किसी का पास नहीं रखा था। दिल चाहता है कि तुम्हारा गला दबा दूं मैं। जिन्नत भरी जिंदगी से बेहतर बहुत है, मार दे आज से आधे मेरा गला, लेकिन मैं फिर एक ही बात करूं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। नहीं आसानी से नहीं मारूंगा, तड़पा तड़पा के मारूंगा तुझे मैं।
मुझे जफर से ये साहिलाना हरकत की तवक्को नहीं थी। क्या हल कर दिया बच्चे का? इस लड़की की हरकतें भी तो ऐसी हैं। जफर और क्या करता? तुम तो पता नहीं क्यों उस बच्ची के पीछे हाथ धोकर पड़ गई। उसकी फिक्र करना छोड़ें और अपने बच्चे की फिक्र करें। सुबह से घर से गायब है वो, ना जाने कहाँ रुल रहा होगा। तो डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, जवान बच्चा है, आ जाएगा शाम तक। सोचे सफर ने गुस्से में मायरा के साथ ये हाल किया है तो वो मेरे बेटे का क्या हशर करेगा? उसे तो वो जान से मार डालेगा। अल्लाह किस मुश्किल में फंस गई। एक तरफ भाई है और दूसरी तरफ बेटा, क्या करो कुछ समझ में नहीं आता। अरे राबिया, राबिया रोना तो बंद करो ना, क्यों रो रही हो? एक बात बताएं मुझे, आपके दिल में वहम आ गया है ना सोतन जुठेरी में? ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे दिल में कुछ भी नहीं आया। और जानता हूँ उसको, मैं उसकी फितरत समझता हूँ। और तुम जानती हो ना उसकी क्या जहनी कैफियत चल रही है। डर गुजर करो। सही है जावेद, आपको उसकी गलती कभी नजर आनी भी नहीं है। वो सब कुछ करती है, वो फिर भी अच्छी है। मैं इस घर के बारे में सोचती हूँ, आपके बारे में सोचती हूँ। मैं बेवकूफ हूँ ना जावेद? अरे राबिया ऐसी बात नहीं है, लेकिन गलती तुमसे हुई है ना, तुम्हें दरवाजा बंद करके जाना नहीं चाहिए था। जावेद, एक क्लाइंट की कॉल आ गई थी मुझे, मैंने सोचा रिश्ता पक्का हो जाएगा, कुछ रकम आएगी। इस घर के और आपके बारे में सोचती रहती हूँ कि कुछ बोझ कम हो। आपको नहीं समझ आएगी, वो आपको बदगुमान कर रही है मेरे लिए। ऐसा कुछ भी नहीं, बच्चा नहीं, सब कुछ समझता हूँ। बस करें, मुझे पता है मायरा और आंटी के साथ जो सलूक करवाती थी वो आपसे। राबिया, जावेद मेरी बात को समझे। वो अगर सास और नन को बर्दाश्त नहीं कर सकती तो मैं तो फिर सोतो, वो मुझे नहीं करेगी बर्दाश्त। इंसान हो या जानवर, इस बेदर्दी से मारा है उस मासूम को। मुझे सिर्फ ये बताएं कि वो जिंदा है कि मर गई। तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसे मारने में, सीधा सीधा पुलिस केस था। तुम्हें अंदाजा है कि मुश्किल से संभाला है मैंने इस मामले को। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अब कोई मारपीट नहीं होगी। क्या चाहते, बेगरत बन जाऊं, सर झुका लूं उसके आगे, सर पे बिठा लूं? क्या चाहते हैं आप? दिल में वसत पैदा करो, ये सब पुरानी बातें हैं जिनका कोई वजूद नहीं है। ये सब आप इसलिए कह रहे हैं कि इस पूरे किस्से में मुजरिम आपका बेटा है। ये जो लेक्चर आप मुझे दे रहे हैं, उस वक्त तो आपको बड़ी प्यारी थी अपनी इज्जत और गैरत। हाँ, तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़ गए, तुम्हें समझाना फजूल है। एक बात याद रखना जफर, इस नफरत और शक की आग में कहीं अपनी बेटी का घर मत जला देना। लो पानी पी लो। बहुत मजा आता है ना आपको, बहुत मजा आता है ना मेरी जिंदगी से खेलकर आपको। हाँ, क्या चाहती है, क्या चाहती है बता दिया आज मुझे। मुझे क्या पता था उठा देगा? क्या पता था? मैं नहीं जानती कि आपकी नफरत की वजह क्या है, लेकिन कोई नफरत में इस हद तक गुजर सकता है, मैंने ये आपसे जा रहा है। कभी माफ नहीं करूंगी आपको, कभी माफ नहीं करूंगी।
मायरा अभी अंदर मत जाओ, बहुत गुस्से में है। सब मेरा मुकद्दर, कहां जाऊंगी मैं इससे बचकर। देखो खुद को आईने में, क्या थी और क्या हो गई हो। देखना वो हशर करूंगा तुम्हारा कि लोग थूकना भी पसंद नहीं करेंगे। मेरा दुश्मन। जरा देखो खुद को आईने में, क्या थी और क्या हो गई हो। देखना वो हशर करूंगा तुम्हारा कि लोग थूकना भी पसंद नहीं करेंगे। आज पता चला तुम्हारी उदासी की वजह शामिर थी, इसलिए मेरे साथ खुश नहीं रहती थी। कभी अपने आप पर गौर किया? कभी शक करना कम किया? कभी सख्ती कम की आपने? झूठ बकवास। शामिर से मोहब्बत थी तो मुझसे शादी क्यों की तुमने? मेरी मर्जी तो 10 लाख देकर खरीद नहीं ली थी आपने? तो ये कहो ना कि दौलत की लालच में शादी की है तुमने? नहीं, दौलत का लालच तो मेरे भाई और भाभी को था, मैंने तो सिर्फ तावान मांगा। लेकिन फिर भी हर जिम्मेदारी इस घर की मैंने ईमानदारी से निभाई। और झूठ तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी हैं। जब जब तुम्हारा चेहरा देखता हूं तो अपने साथ बहुत होगा ही होगा, मुझे नफरत होगी मुझे तुम्हारे चेहरे से। निकलो यहां से, चलो निकलो। क्या तमाशा कर रही है, छोड़े मुझे। बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं, चलो। हिम्मत करे, दुनिया के सामने मेरा तमाशा मत बना। मुझे बहुत बुरा लग रहा है आपके लिए। चाचू ठीक नहीं कर रहे आपके साथ। सब ठीक हो जाएगा, ये सब लोग ऐसे हैं, बेहिस बेरहम। औरत की इनकी नजर में कोई हुक्म नहीं है। आप ठीक तो है ना मायरा चाची? कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता मैं भी क्यों जिंदा हूं। इतनी जिल्लत बेइज्जती बर्दाश्त करने के बाद मैं कैसे जिंदा रह सकती? चुप हो जा, सब ठीक हो जाएगा। चाचू बहुत जालिम है, वो आपको कभी भी माफ नहीं करेंगे। आप ऐसा करें कि अपने घर चली जाएं। अपने भाई को फोन करें, मैं शायद इस दुनिया में अकेली हूं, अकेली मरूंगी, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं, कोई नहीं। आओ
क्या बात, तुम अब तक जाग रही थी, तबीयत ठीक है तुम्हारी? पापा मुझे माफ कर दे। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? सब कुछ मेरी वजह से हुआ। काश कि उस दिन मैं कुछ ना बोलती तो आज सब कुछ ठीक होता। नहीं बेटा, झूठ और धोखे की उम्र बहुत मुख्तसर होती है, एक ना एक दिन तो ये सच्चाई सामने आनी थी। बाबा प्लीज मायरा को माफ कर दें। कभी नहीं करूंगा, धोखा दिया उसने मुझे। पता नहीं बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर किस बात का बेटा? अभी तुम्हारा बाप जिंदा है, तुम तक कोई मुसीबत आने नहीं देगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ बेटा, तुम्हें दी हुई एक एक तकलीफ का हिसाब लूंगा मैं उससे। इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा उसे। बाबा प्लीज प्लीज सब कुछ भूल जाएं प्लीज। बेटा धोखे और बेवफाई की माफी नहीं होती, सजा होती है। और अब तुम भी उस बेवफा के लिए आंसू बहाना छोड़ दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ बेटा, जब तक मैंने खून के आंसू ना रुला दिए ना उसे, चैन से नहीं बैठूंगा। कुछ भी नहीं खाया उन्होंने। या अल्लाह, ये लड़की क्या चाहती है? कल रात से इसने कुछ नहीं खाया, इस तरह तो ये लड़की मर जाएगी। तो आपके दिल की मुराद तो पूरी हो जाएगी ना, आपको तो खुश होना चाहिए। जबान संभाल के बात कर मुझसे तू। मुझे तो आप चुप करवा लेंगे मैं, मगर अपने जमीर को कैसे चुप करवाएंगे? सच कहूं तो हम सभी ने मायरा चाची के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की है। ये सब कुछ उसके गुनाहों की सजा है, और बस सफर को थोड़ा गुस्सा ज्यादा आता है। तो इस गुस्से से अपने बेटे को भी बचा कर रखिएगा, क्योंकि इस गुनाह में वो भी बराबर का शरीक है। अरे तू मेरी औलाद है कि नहीं? और पता नहीं मेरा बच्चा कहां दर बदर फिर रहा है, और उसको देखो जब मुझे ताने सुनाती रहती है, ताने सुनाती रहती है। तुम्हें गैरतान भी कुछ है कि नहीं है? मुझे लगा तुम शर्म से डूब मर गए होगे। लेकिन किस ढिठाई के साथ तुम मेरे सामने खड़े हुए? जफर, इसे मैं लेकर आया हूं। मैं इसका वजूद घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसको बोलो जाए यहां से, चलो जाए यहां से। चाचू खबरदार, जो चाचू का तुमने कोई हक नहीं तुम्हारा। मेरा तुम्हारा सिर्फ एक ही रिश्ता है, वो है नफरत और इंतकाम का। ये क्या कह रहे हो सफर? शामिर तुम्हारा भतीजा ही नहीं, तुम्हारा दामाद भी है। अब वो रिश्ता भी नहीं रहेगा। आयशा को मैं तलाक दिलवा कर आऊंगा। मैं नहीं चाहता कि धोखेबाज उसके साथ रहे। आप कौन होते हैं मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले? मैं आयशा का बाप हूं, पूरा हक है मुझे उसकी जिंदगी का फैसला करने का। और वैसे भी आयशा तुम जैसे बदनीयत आदमी के साथ रहना नहीं चाहती है। वो क्या चाहती है और क्या नहीं चाहती, ये हम दोनों का आपस का मामला है। आप बीच में टांग मत अड़ाएं तो बेहतर। मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा, मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान मत लो तुम। क्यों बच्चों का घर बर्बाद करने पर तुले हो? घर बर्बाद हो गया भाई साहब, मैं तलाक दिलवा कर रहा हूं। और दूसरी बात ये, इसको कह दीजिए कि मेरे घर से चला जाए। तो ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, कि हम भी इसमें बराबर हिस्सेदार हैं। ठीक है, मैं इस घर से चला जाता हूं। तो फिर मेरी भी एक बात सुन ले, आपको जो करना है आप कर ले, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगा।
अगर आयशा अपने मुंह से कहे तब भी नहीं। मेरा दिल मेरा दुश्मन, मेरा दिल मेरा दुश्मन। जरा देखो खुद को आईने में, क्या थी और क्या हो गई। देखना वो हशर करूंगा तुम्हारा कि लोग थूकना भी पसंद नहीं करेंगे। बिछड़ने का तुमसे इरादा किया है, वादा जो किया है आधा किया है। कैसे मैं तुमको ये समझाऊं, दर्द अपना कैसे मैं दिखाऊं। क्यों मेरे नसीबों में तन्हाइयां, तू सुनता नहीं है क्यों ये दुहाइयां, के तेरे पीछे भागूं जैसे परछाइयां। तू बेपरवाह। इतनी ठीक कैसे हो सकती हूँ मैं, अब तक क्यों जिंदा हूं, मौत क्यों नहीं आ जाती मुझे। या अल्लाह मुझे मार दे, पता नहीं इतनी नफरत, इतने इल्जामात बर्दाश्त करने के बावजूद मैं जिंदा ही क्यों हूं। सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी है? जाहिर है कारखाने जा रहा हूँ। खालिद, आज कारखाने ना जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी सफर भी घर पर है, मैं भी नहीं गया तो काम कौन देखेगा। इसी बात का तो डर है, आज शामिर और सफर दोनों घर पे हैं। अगर आपके जाने के बाद इन दोनों ने कोई हंगामा कर दिया तो मैं कैसे संभालूंगी। कितना समझाया था तुम्हें कि इस रास को सीने में दबा लो। करती रहो माता, अब जो होना था वो हो गया, बस किसी तरह से मेरे बेटे का घर बचा लीजिए आप। परिन, जो आग तुमने लगाई है उसे सबको जला के खाकिस्तर कर दिया। याद रखना, उसकी ऊंची ऊंची लपेटों से तुम भी नहीं बच पाओगे। बस आप मुझे डराते रहना, आप जफर को क्यों नहीं समझाते? अगर इतना गैरतमंद है तो अपनी बीवी को तलाक दे और हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दे। मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ा हुआ है वो? जितनी नफरत और हसद तुमने दिल में पाली हुई है ना, तो अच्छी सोच तुम्हारे दिमाग में आ ही नहीं सकती। अपने दिमाग को इन शैतानी सोचों से खाली करो और बैठकर सोचो कि किस तरह इस घर को बिगड़ने से बचा। जरूरी नहीं है कि चक्कर आने का हमेशा एक ही मतलब हो। क्या हो गया तुम्हें, कैसी बातें कर रही हो? मुंह क्यों बना हुआ तुम्हारा? तुम नहीं चाहती कि हमारा बेटा ही हो? मैं बस आपसे इतना कह रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कोई बेवफाई नहीं की है, मैंने कोई धोखा नहीं दिया है शामिर से। तो किस बेशर्मी से अपने आशिक का नाम ले रही हो तुम? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप मेरी बात का इतबार क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या इतबार करूँ मैं? पिछले एक साल से तुम धोखा दे रही हो मुझे, मेरे निगाह में होते हुए मेरे भतीजे से इश्क लड़ा रही हो तो बस कर दे। इतना घटिया इल्जाम मत लगाए मुझ पर। दुश्मन